स्टूडेंट्स, जैसे कि कल आप लोग जानते हो आपका फाइनल 10th सोशल का पेपर है और ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी पढ़ाई आप लोग ने करनी थी आप लोग कर चुके। अब कल 3 घंटे आपकी जंग के हैं। अगर ये पेपर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिया, उस 3 घंटे में आपने टाइम मैनेज अच्छे से कर लिया, तो आप कभी कंप्लेन नहीं करोगे क्या कि हमारे पास टाइम बहुत था, हमें आता बहुत था, बट टाइम नहीं बचा तो हम लोग लिख नहीं पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि आपका पेपर कैसे आएगा और इस पेपर को आप किस तरीके से इस पेपर को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आपके इस बार सोशल के पेपर में 6 सेक्शन है। कैन यू बिलीव इट? Yes, you have 6 sections at your disposal. जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेक्शन A, जिसमें 1 mark के 20 questions आएंगे और ये 20 marks का होगा। अब इस सेक्शन में लोग बोलेंगे 20 questions हैं, 1 mark के हैं, 20 minutes में हो जाएंगे, 10 minutes में हो जाएंगे। No, please take care, क्योंकि यहाँ पर question match the column type के आएंगे, very short आएंगे, multiple choice आएंगे, fill up के time पे आएंगे और picture based भी आएंगे। यानी कि ये वो section है जो दिखता बहुत easy है लेकिन होता सबसे tricky है। अगर इन 20 marks के चक्कर में आपने गलती से भी अपना confidence lose कर दिया तो अपना आगे का entire paper बिगाड़ दोगे। इसलिए इस 20 मार्क के सेशन को मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप स्टार्टिंग में करो। इसको आप करो पर और आराम से आधा घंटा देकर करो और इस रिलैक्स माइंड से करो कि हमारा बाकी 60 मार्क का पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि यहाँ मैच द कॉलम है, आपको मैच करके ध्यान से आंसर मार्क करना है, ओएमआर शीट करनी है। बी का सी हो गया, सी का बी हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं बोलूंगी ये 20 मार्क को आप फट 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 निपटाओ। नो, टेक योर टाइम, रिलैक्स। सही हुआ तो सीधे 1 shot में 1 number मिलेंगे, सिर्फ एक गोला लगाने के 1 number मिलेंगे। गलती से भी गलत गोला लग गया तो इसी 1 shot के आपके सीधे सीधे 1 number कट जाएंगे। सो इस सेक्शन को आप आराम से 30 मिनट्स, आधा घंटा रिलैक्स माइंड से सोच समझ के आंसर करके क्या करोगे, अपनी आंसर शीट में ए बी सी डी आंसर लिखोगे, बट बहुत ध्यान से। और इसलिए और क्योंकि यहाँ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, फिलअप वाले भी आते हैं, तो कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये सेक्शन ऑफ द पेपर आपको क्या करता है, डरा देता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी आप अपना पेपर कभी भी इस सेक्शन से शुरू ना करो। रादर जब आपका पूरा पेपर रिलैक्स लेवल पर हो जाए फिर आप इस सेक्शन पे आओ और शुरू से ही माइंड में सेट करके चलो कि इस सेक्शन को आपको कम से कम 30 मिनट्स डिवोट करने हैं। इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो मैप से या फिर हमारे सेक्शन डी से, दैट इज जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक आएगा। यहाँ पे आपको 120 वर्ड्स में आंसर लिखने और ऐसे आपको 4 questions आएंगे 5 mark के। अगेन इस क्वेश्चन को पूरा, इस सेक्शन को पूरा 1/2 hour दो, बिकॉज ये 4 questions आप हमेशा 7 से 10 minutes लगा के करो। 7 से 10 minutes लगा के हर एक क्वेश्चन करो, 5 points लिखो। ये क्वेश्चंस 5 mark के हैं और अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट इन 5 mark के चारों क्वेश्चंस में 1 from हिस्ट्री, 1 from सिविक्स, 1 from ज्योग्राफी एंड 1 from इकोनॉमिक्स सब में